वेलकम टू दी माया ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए वेज मोमोज की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें से मैं आपको पहले मोमोज की चटनी बनाना सिखाऊंगी। ये सारा हमने चटनी बनाने का इंग्रेडिएंट्स लिया है। इसमें हमने 4 टमाटर लिए हैं, 6 से 7 लाल मिर्च ली है, 4 से 5 हमने लहसुन की कलियाँ ली है जो फाइन चॉप कर लिया है, 3 से 4 चीनी लिए हैं चम्मच, और 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हम सोया सॉस लेंगे, 1 चम्मच हम विनीगर लेंगे, और हमने ये बाउल लिया है क्योंकि हम मिर्च और टमाटर को बॉईल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने बाउल में 4 टमाटर, कुछ मिर्च, 1 गिलास पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए चढ़ा देंगे लो मीडियम फ्लेम में। तो फ्रेंड्स, हमारे टमाटर बॉईल हो चुके हैं और ये अब हम इसको छील के इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो आपको इस तरीके से छीलना है, ध्यान से छीलना है फ्रेंड्स, ये गर्म होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक पैन लिया है, हमने इसकी फ्लेम मीडियम रखी है और अब ये पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे 2 चम्मच, ये हमने डाल दिया है। अब ये जब गर्म हो जाए तो हम इसमें अब लहसुन ऐड करेंगे जो हमने फाइन चॉप किया था। हमारा ऑयल एकदम अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें हम लहसुन ऐड करेंगे। ये हमने सारे लहसुन ऐड कर दिए हैं, इसको हमें फ्रेंड्स, तो हमारा ये ब्राउन हो चुका है लहसुन। अब हम इसमें जो हमने टमाटर को ग्राइंड किया था वो डालेंगे अब ये। तो फ्रेंड्स, हमने इसमें टमाटर डाल लिए हैं थे, तो अब हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे टमाटर को, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो ये 2 मिनट हो चुके हैं, अब ये रेडी हो गया है, क्योंकि ये नीचे लगना चालू हो गया है तो समझ जाना कि ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसमें हम 1 चम्मच विनीगर ऐड करेंगे और 1 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस इसलिए डालते हैं फ्रेंड्स, ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोमोज की चटनी रेडी है। इसमें कितना अच्छा कलर आया है विनीगर और सोया सॉस का। तो फ्रेंड्स, ये हमारी अब रेडी है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ये मोमोज बनाने की फिलिंग्स की इंग्रेडिएंट्स है, ये हमने एक बड़ा पत्ता गोभी लिया है, 1 बड़ी प्याज, 1 बड़ा गाजर, 1 बड़ा शिमला मिर्च, इसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, 1 चम्मच हम सोया सॉस लेंगे, 1 चम्मच हम विनीगर लेंगे, 1 चम्मच हमने मैगी मसाला, स्वाद अनुसार नमक, और हमने 1 चम्मच हमें बनाई हुई चटनी। अब हम इसे रेडी करके आपको दिखाते हैं। तो हमने फिलिंग रेडी करने के लिए एक पैन ले लिया है और हमने इसकी फ्लेम लो मीडियम रखी है। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच। ये हमारा पैन गर्म हो चुका था, हम इसमें 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। जब इसमें ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें पत्ता गोभी ऐड करना है। हम ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, हम ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं सब कुछ ऐड कर रही हूँ। हमारी पत्ता गोभी अच्छे से हो चुकी थी, ये हमने ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट तक इसे हम लो या मीडियम फ्लेम में अच्छे से पकाएंगे, ताकि हमारी फिलिंग अच्छे से रेडी होए। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ये नमक हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है, और इसे ये मैगी मसाला ऐड किया, ये हमने 1 चम्मच अपने घर की बनाई हुई चटनी, 2 चम्मच ऐड कर लो फ्रेंड्स,
अब हम इसमें एक चम्मच विनीगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें एक चम्मच सोया सॉस डालेंगे कलर देने के लिए। अब हम इसे अच्छे से फ्लेम को लो कर देना है सर। तो फ्रेंड्स हमारा ये फिलिंग्स रेडी हो चुका है। इसका कलर फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है सोया सॉस डालने के बाद, और ये खाने में भी टेस्टी है और अच्छा सा लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स ये तो रेडी हो चुका, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके लिए हम अब मैदा को हम रेडी करते हैं ताकि हम ये फिलिंग्स अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद हम उसको अच्छे से भरेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मोमोज बनाने के लिए 2 कप मैदा ले लिया, 1 गिलास गुनगुना पानी लिया है, स्वाद अनुसार नमक लिया है। अब हम इसे ऐड करेंगे। हमने इसे नमक को ऐड कर लिया। अब हम इसको आप गूंद के दिखाएंगे। पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है ताकि ये गीला ना हो और गाँठे ना बने इसमें। तो कुछ इस तरीका से हमारा मैदा रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इसी तरीके से मैदा रेडी करना है हमें। तो फ्रेंड्स हमारा जो मैदा रेडी हो चुका था, हमने उसकी गोलियां बना ली है। अब हम इसे बेलेंगे पूड़ी की तरह। एकदम पतली बेलनी चाहिए फ्रेंड्स, एकदम कहीं भी से भी मोटा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मैदा लगा के फिर इसे बेलेंगे ताकि ये चिपके ना। इसको अच्छे से बेलना है फ्रेंड्स। इसको बहुत एकदम पतला बनाना है फ्रेंड्स, ना कहीं से मोटा हो ना कहीं से पतला हो, एक बराबर लेयर में होनी चाहिए, तभी जाके इसमें जो फीलिंग्स है वो अच्छे से भर पाए फीलिंग। तो फ्रेंड्स देखिए हमने वो रोटी जैसी बना ली है, पतली पतली सी। अब इसमें हम फिलिंग्स डालेंगे। हमने इसमें 1 चम्मच फिलिंग्स डाली। अब इसको ऐसे आराम से ले लेकर अच्छे से ऐसे बंद कर देना है ताकि इसकी शेप अच्छे से आ जाए। देखिए फ्रेंड्स अब हमने इसी तरीके से बहुत सारी बना ली है फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स हमने एक पतीला लिया है, उसमें हमने 1 गिलास गुनगुना पानी करा है। उसके बाद हमने स्टैंड डाला है ताकि हम इस चलनी को उसके ऊपर रख पाए। हमने इसे आराम से रख दिया है फ्रेंड्स। अब हम इसे अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसे हमने अच्छे से बंद कर दिया है। हम इसे मीडियम फ्लेम में 5 मिनट पकाएंगे फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये हुआ है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे आराम से कपड़े या फिर चिमटे से आप आराम से निकालिए फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। और अब बस तो फ्रेंड्स इसे आराम से निकालना है आपको, ये फटे ना, और अपने प्लेट में आप सजा लीजिए अच्छे से। सारे मोमोज को अच्छे से निकाल लीजिए फ्रेंड्स। ये देखिए देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं। अब इसे चटनी के साथ सर्व करिए और घर में आराम से खाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपके घर में एग बॉईल करने वाली मशीन हो तो आप इसमें भी मोमोज रेडी कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रेडी कर सकते हैं। इसमें आप 1 गिलास पानी डालेंगे और इस स्टैंड को इसके ऊपर रख देंगे और इसे बस ढकना है फ्रेंड और इसे स्विच ऑन कर देना है बस, और वो मोमोज अपने आप ही रेडी हो जाएंगे। इसमें लाइट ऑफ खुद ही बंद हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि ये मोमोज रेडी हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स एग बॉईल वाली मशीन में भी हमारा मोमोज रेडी हो चुका है, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और ये कोई मशीन ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये कहीं सब जगह मिल जाती है। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, आप चाहो तो आप भी ले सकते हो। इसे देखो फ्रेंड्स ऐसे आराम से निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी एग बॉईल वाली मशीन की मोमोज भी रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स देखने में कितनी टेस्टी और यमी लग रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसकी एक और खासियत है फ्रेंड, ये बाजार से भी बहुत अच्छी लग रही है खाने में। आप घर पे बनाइए और खा के देखिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि कितनी टेस्टी है ये। और ये बहुत
इजी है बनाने में, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा है बनाने में, बहुत टेस्टी बनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वेज मोमोज की रेसिपी अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह की डिशेज और लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।